50,000 रुपए का काम हो रहा है। वर्ड इट्स मी अंडर यू वाच मी ब्लॉग। तो गाइस आज का सीन हो रखा है, मम्मी पापा और आदेश की तबीयत थोड़ी नरम हो गई है, मतलब सर्दी जो जुकाम वही नॉर्मल चालू है, बिकॉज जो वेदर है ना वो अचानक से चेंज हो गया, बारिश बारिश बारिश, फिर अचानक से धूप, फिर बारिश, ऐसा ना वैसा, तो मुझे लग रहा है वो एक रीजन हो सकता है, बाकी पता नहीं हो जाता है। तो चलते गाइस, आज मुझे भी थोड़े काम है तो वो भी निपटा के आएंगे और आपको रास्ते में बताता हूँ क्या काम है। और आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, काफी मजा आया था वो वापी को एक्सप्लोर करने में, मतलब मेरे लिए भी नया नया था पूरा सिटी, मैं कुछ भी नहीं जानता था किस एरिया को क्या कहते किसको क्या कहते, वो तो अच्छे अच्छे रिक्शा वाले अंकल मिल गए तो हेल्प कर दिए, तो हम लोग निकलते। मेरे मम्मी पापा अभी दोनों की तबीयत तो ठीक है, काफी मतलब सर्दी जुकाम बुखार बस वही था, दोनों ने चेकअप करा लिया। तो गाइस ये रहे चिकू, ये इधर क्या कर रहे हैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि अभी आया है नाश्ता, तो चिकू अब नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। मम्मी कुछ भी आए इसको खाने को चाहिए ना। हम लोग नीचे आ गए, अब चलते, आकाश भी आने वाला है, उसको लेंगे और फिर निकलेंगे। हाँ जो भी बोलो ना, उमर गाँव में शांति है यार, पीस। हमारी अलग ही है, पता नहीं अपने आप हवा कैसे निकल जाता है, पंचर भी नहीं है। क्या है ओए, ये दिक्कत क्या है? रिपेयरिंग डे है, पहले गाड़ी को हमने टायर में हवा डलवाया, अब लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड डलवाया। तो 50,000 रुपए का काम हो रहा है 50,000 का काम हो रहा है। जाते चिकू का दोस्त मिल गया हम लोग को, चिकू जैसे एक्टिव है, लेकिन चिकू थोड़ा काटता है, काट नहीं रहे। आजा चल, काफी भाई बहन है। मैं और आदेश निकल गए, बट आज के दिन इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है ना, काफ़ी पूरा मुंह में और आँख में आ रहा है, बालों में भी जा रहा है। तो फाइनली गाइस हमारा काम हो गया, ये कुछ ट्यूशन के कार्ड्स हैं अब मिल गए, एडमिशन का भी हो गया, तो कल से भी डिसाइड हुआ है। अब व्लॉगिंग के लिए और मुश्किल हो जाएगा, मुझे अलग टाइम निकालना पड़ेगा, पूरा अलग टाइम, तो देखते करना तो पड़ेगा ही। शॉप में आदेश को कुछ काम है तो वो काम निपटाते हैं, फिर निकलते हैं मंदिर, मंदिर भी जाना है आज। बढ़ गया ये इनो लेने थे, अब चलते सीधा घर, काफी लेट हो गया। घर पहुंच गए, और चिको आजा, कोई मतलब नहीं, अगर सामने खाना रखा है तो आप कौन हो किसी को नहीं पहचानता हूँ, अगर सामने खाना है तो। The next day. Hey guys, good morning. और मैं कल तो ब्लॉग पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज उतना चीज ही नहीं थी, ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था, 2-3 मिनट, तो आज कंटिन्यू करेंगे। अभी जा रहा हूँ कॉलेज, जाता हूँ फिर आता हूँ। मौसम भी काफी सही हो रखा है गाइस, एकदम कूल चिल मौसम। आ गया घर पे, अभी सोसाइटी में आया, अभी तो घर पे जा रहा हूँ। सुबह गया था, इतना चिल मौसम आ रहा हो और इतना मतलब धूप तगड़ा लग रहा है आज, क्योंकि बारिश हल्का हुआ फिर धूप हो गई उसके ऊपर। चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर निकलेंगे। किधर पहुँचने पे जो सबसे पहले मेंबर मिलता है वो चिकू है, ये बात चिकू की बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत बुरी है। मत चिकू छोड़, आते ही भोंकता है, छोड़ 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 छोड़। तो फाइनली गाइस मस्त आराम करके हो गया है, तो अभी निकलते हैं बाल पे कटाने और थोड़ा घूम फिर के भी आते हैं। बस जाने से पहले हमें ये बैटरी लेके जानी पड़ेगी, मैं गाड़ी में रख के चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी का सॉकेट खराब हो गया है थोड़ा। तो फाइनली गाइस पापा का जोत जला दिया, अब चलते गाड़ी में बैटरी डालने, यार अलग ही तकलीफ है, ये काफ़ी हैवी बैटरी है इसकी। हो गया काफ़ी मतलब अंदर डालने में मुश्किल होता है, निकाल तो लेते हैं आराम से बैटरी, लेकिन अंदर फिक्स करने में बहुत मुश्किल होता है। हो गया फाइनली, अब चलते हैं यार आदिल के पास। सलमान खान रेडी होने में टोटल कितने 15 मिनट से ज़्यादा लेता है, आधे घंटे। उसको कॉल किया था मैंने 10 मिनट पहले, तो भी उसके ऊपर भी 15 मिनट, मीन्स वही लगभग आधा घंटा है कि नहीं सलमान खान? नहीं सैलून हम लोग पहुंच गए थे, पन थोड़े कस्टमर उनके हैं, नंबर लगा दिया है, तो जाते हैं कुछ खा पी के आ जाते हैं तब तक। चलो कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था,
बस कोल्ड कॉफी पीते और चलते हैं। रीजन बताते हैं हम लोग ने कुछ क्यों नहीं खा। ओए क्यों नहीं खाए हम लोग कुछ? अरे यहाँ पे कितना खाएंगे, उमरगांव में कुछ है ही नहीं खाने का। अकेला अकेला खा के आ गए। ओए अकेला अकेले नहीं गाइस, इसको भी पूछा था मैंने तो बोलता है तू जाके आ जा, मैं बाद में, अभी काम है मेरे को। जाके सैलून, ये रहा सैलून, चलते अंदर और इंसान बन जाते थोड़े। गाइस मैं तो रेडी, अपॉइंटमेंट दूसरे डॉक्टर से थी लेकिन वो डॉक्टर आए नहीं, तो ये भाई करेंगे, चलते डॉक्टर से। तो फाइनली गाइस मेरी हेयर कटिंग हो गई है, अभी निकलते घर, काफ़ी हल्का लग रहा है तो चलते घर। okay. और कितने लोग मतलब वेट कर रहे थे वो सीन देखने का कि टकला हो गया, टकला हो गया। तो सिर्फ वो थंबनेल था, टकला नहीं हुआ, बिकॉज ब्लॉग ब्लॉग शूट करना है और बाकी रील्स वील्स का डालता रहता तो अभी टकला हो जाएगा तो अजीब लगेगा ना। तो चलते घर, भागो। तो फाइनली गाइस मम्मी ने कुछ रोटियां और वो सब थे तो गाय को भी डाल दिया, तो अब चलते हैं घर। घर मैं घर पहुंच गया और ये गुस्सा देखो। हाँ ले, कितना लेट हुआ आप? 15 मिनट। बस भग 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 इधर से, इतना मम्मी डांटी नहीं उतना ये डांट रहा है देखो। अरे बाइट मार कर दिया, हट चिको। नहीं हाँ नहीं, बैठे रहे, सही बात। देखो गैस मेरा खाना खा के हो गया है और आप लोगों से एक बात भी मुझे शेयर करनी थी। बहुत लोगों का डीएम आ रहा है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि आदिल और आप मतलब कैसे अर्न कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो मैं एक मतलब ये बात मैं सोच रहा था, कितने पहले से सोच रहा था कि शेयर कर दूँ, तो फाइनली आज शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखो आदेश के लिए आया, एक्सेस मैक्स है ये, तो आदेश ने लाया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग भी अर्न करना चाहते हो मतलब अपने खुद के खर्चे उठाना चाहते हो, ज़्यादा नहीं 600 का पैकेज है, आदिल या मुझे किसी को भी डीएम करो मेन, लेकिन आदिल जो भी आपको हेल्प करेगा वो आदिल ही करेगा। लेकिन मेरे को जैसे मेरे को डीएम करना है, मैं आदिल को मेरे थ्रू आदिल से बात करना है तो वो भी कर सकते हो आप लोग। बाकी देखो 100% आपको इसमें फ़ायदा ही है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये फ़ायदा है, सबका ही फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, बस हमारा थोड़ा लेस फ़ायदा तो आपका ज़्यादा होगा, बिकॉज आप खुद अर्न कर लोगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो चलता हूँ ये वीडियो को इधर एंड करते हो। आई होप आपसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ ब्लॉग में। बर्थडे ब्लॉग, तो आई होप आपको कल के वीडियो